गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे छोटे से गांव के गुरु से रूबरू करवाने वाला हूं, जिन्होंने एक गांव से उठकर के और अपने आप को इतना कामयाब बनाया। इन्होंने 7 साल तक एक कोचिंग के अंदर पढ़ाया, ऑफलाइन एजुकेशन दी, उसके बाद में 100 से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन करवाया। उसके बाद में इन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चों की हेल्प करूँ। तो अभी आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आप कहीं पर भी स्टडी करते हैं, कहीं पर भी कोचिंग करते हैं, तो वहाँ पर आपकी फीस 10 हज़ार, 15 हज़ार, 1 लाख रुपए तक हो सकती है। लेकिन वही चीज़ आपको ये बिल्कुल फ्री के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। और 100% इनके जो भी ये पढ़ाते हैं, जो भी टीचिंग कराते हैं, जिस भी चीज़ की, 100% बंदा कामयाब होकर ही निकलता है। तो हम पहले सर से ही बात कर लेते हैं कि सर किस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें करी हैं और किस तरीके से आगे बढ़े। नमस्कार सर। तो सर हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बताएं कि कैसे आप इनके लिए मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले थोड़ा अपना इंट्रो दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। मैंने 2017 से मैं कंटिन्यू ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, जिसमें आर्मी का, अब जो अग्निवीर हो गया है, SSC, GD, दिल्ली पुलिस, इसमें 100+ मैं सिलेक्शन इंडिविजुअली दे चुका हूँ, जिनको मैंने टेस्ट पेपर भी मैं ही तैयार करता हूँ। क्योंकि मैं पेपर दे रहा था उस टाइम में, तो मुझे पता था सर किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो मैं बच्चों को दे रहा था, बच्चे आके कहते थे कि सर पूरा एग्जैक्ट पेपर आता है, आपको कैसे पता चलता है। लेकिन मैं एक जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके दिमाग से मैं सोचता हूँ, तो मुझे पता चलती थी कि अगली बार क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो बच्चे अपने पास जुड़ते गए सर ऑफलाइन में भी, फिर भी बच्चे बहुत दूर से भी आ रहे थे, अपन दूर दूर से आ रहे थे, जो कि रहने का उनका खर्चा भी 10 हज़ार, फीस भी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन शुरू कर दे, क्योंकि बच्चों की भी डिमांड थी कि सर ऑनलाइन शुरू करो। अगर तो एक एक बच्चा अगर कोचिंग करता है तो उसका कितना खर्चा आ जाता होगा सर? कम से कम एक सब्जेक्ट के, आज मैथ मैथ की भी अगर अपन लेते हैं तो 10 हज़ार रुपए फीस लेते हैं मैथ स्पेशल बैच की, अगर मैथ की बात करते हैं। और दूसरा, एक बार कोर्स तो खरीद लिया, एग्जाम का कोई पता नहीं है, 3 महीने बाद हो, 5 महीने बाद हो, तो पर महीना लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा आता है। तो एक पेपर, एक भर्ती की तैयारी करते हैं तो साल भर बच्चा निकाल लिया तो 1 से 1.5 लाख रुपए के नीचे आ जाता है। आजकल आप देखेंगे कि लाइब्रेरी हर गांव में है, अगर अपन उनको यूट्यूब के माध्यम से पूरा कोर्स अवेलेबल करवा देते हैं तो एक मिनिमम मार्जिन में या 500 रुपए में कोई लाइब्रेरी लगा के अपने बढ़िया घर का खाना खा के आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों की डिमांड पे ही सर हमने शुरू किया था, और अभी हम फिलहाल अपने को 1.5-2 महीने हो गए हैं शुरू करे हुए, और अभी जो भर्ती आने वाली है फरवरी में, 20 फरवरी से पेपर हैं, तो हम उस भर्ती को टारगेट करते हुए SSC GD का बैच चला रखा है सर, जिसमें बिल्कुल प्रीवियस ईयर का देखते हुए अपन इसका पूरा सिलेबस तैयार कर रहे हैं। और ये सिलेबस अपन पेपर से लगभग 20 दिन या 25 दिन पहले कंप्लीट करवा देंगे, और इस 20-25 दिन में अपन पूरा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा पेपर तैयार करेंगे जो एग्जैक्ट अपने को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उसी आधार पे अपन पेपर तैयार करके और बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे ऑनलाइन माध्यम से ही, टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो सर जैसे आपने बताया कि आप ऑनलाइन बिना किसी पैसा लिए हुए आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप हेल्प कर पाएंगे, लोग आप तक कैसे जुड़ पाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल सर, अपना चैनल है VRB एजुकेशन के नाम से, और VRB एजुकेशन पे आप जाएंगे तो हर सब्जेक्ट की अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे ही आप चैनल पे जाएंगे, आप मैथ वाले सेक्शन में जाएंगे तो पूरा अपने को सिस्टमेटिक लेक्चर वाइज और टॉपिक वाइज बिल्कुल आप देखते ही बच्चा समझ जाएगा कहाँ से आ रहा है, और उसमें कोई फालतू चीज़ नहीं है, अपन एग्जैक्ट जो एग्जाम का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। क्योंकि आज का एग्जाम में क्या होता है कि बच्चा इस चीज़ में कन्फ्यूजन है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये चीज़ अगर बच्चा समझ जाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बच्चा पढ़ तो रहा है, मेहनत करता है, फिर सिलेक्शन नहीं होता, इसका मतलब वो गैर जरूरी चीज पढ़ रहा है। सही बात। और ये काम, और टीचर का इतना ही काम होता है कि बच्चे को ये बताए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और वो हमने बहुत अच्छे से किया है। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आपके घर में भी, आप जो भी मेरी ऑडियंस है, मेरे वीडियो को देख रही है, कहीं पर भी आपके यार दोस्त हैं, अगर वो पैसे देकर कहीं पर भी कोचिंग कर रहे हैं, तो आप उनको एक बार इनके बारे में जरूर बताएं। आप एक दो वीडियोस देखें, वॉच करें, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ से बेटर रिजल्ट मिल रहा है, मैं कोई भी चीज़ समझ नहीं पा रहा था वहाँ पर, यहाँ पर मुझे आसानी से समझ आ रही है, तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है कि विदाउट किसी मनी के, एंड इसी के साथ में सर जैसे कि आप जो लोग वीडियोस देखेंगे, जो भी स्टडी करने वाला बच्चा वीडियोस को वॉच करेगा, ठीक है, वो वीडियोस को वॉच करते करते अगर उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो वो चीज़ भी सर प्रोवाइड करा देंगे आपके लिए। तो आपको कहीं पर भी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, 2 पैसे आपको कहीं पर भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे ये सारी चीज़ें कर सकते हो और अपना सिलेक्शन पा सकते हो।
तो सर का चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आपका लाखों रुपए का फायदा हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि आप चैनल पे जाके एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें और फिर एक बार अपनी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद अपने को पता चलेगा। क्योंकि अभी जो मार्केट में पढ़ा रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो सर क्या होता है कि आजकल टाइम बाउंडेशन इतना हो गया, एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट मिलते हैं, और मैथ ऐसा सेक्शन है कि बच्चा पूरा टाइम मैथ में निकाल सकता है। और अपन जो यूज कर रहे हैं यूनिटरी मेथड, उससे पेपर करवा रहे हैं और वही आज के जो एग्जाम हो रहे हैं उसी मेथड को यूज करते हुए क्वेश्चन पुट अप करता है बच्चा। तो अपन अगर इस चैनल के माध्यम से जाएंगे और अपने प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, और बच्चा अगर 3 से 4 वीडियो देख लेगा ना, तो उसको खुद समझ में आ जाएगा अगर अपन कितनी बड़ी गलती कर रहे थे दूसरे टीचरों से पढ़ के। टीचर सर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी टीचर को इंडिविजुअली ये नहीं कहूँगा वो अच्छा नहीं पढ़ाते, लेकिन सबका सर अपना अपना लॉजिक होता है। आज हम आज के वर्तमान ट्रेंड से जुड़ के जो एग्जाम का देखते हुए जो तैयार कर रहे हैं ना, एक ट्रेडिशनल 10 साल से पुराना पढ़ाता आ रहा है टीचर, उसी मेथड को यूज करते आएंगे तो अपन सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आप इस स्क्रीन के ऊपर पढ़ाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अपना पैनल है और इस पे जो पढ़ाया बच्चे को नोट्स बनाने की भी दिक्कत नहीं है, हम वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पूरा पढ़ाया उसका पीडीएफ का लिंक दे देते हैं, और बच्चा वहीं से डाउनलोड करके और जो जो प्रिंट निकलवा सकता है, प्रिंट निकलवा सकता है, उसको लिखने की आवश्यकता, बिल्कुल लिखने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, तो गाइस मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे अपने लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें सर के चैनल को, और वहाँ पर वीडियोस को देखें, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ से कुछ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। जय हिंद, जय भारत।